हिमाचल विधानसभा चोणों दी तैयारियां जोर शोर ने शिखर से ने इस लैके भाजपा भी पब्बां भार हुई हुई है। भाजपा ने उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा की पहली सूची के 62 उम्मीदवार के नाम शामिल ने। बीजेपी ने सुरेश भारद्वाज को कंसुप्टी तो टिकट दिती है। तो सीएम जयराम ठाकुर सिराज तो चोन मैदान उतर रहे हैं। तो अनिल शर्मा मंडी तो चोन मैदान च ने। पिछले 15 साल तो शिमला तो विधायक ने सुरेश भारद्वाज। सो दस दिए कि भाजपा ने उम्मीदवार की पहली सूची जारी की है। तो फोन लाइन से साढ़े सहयोगी समीक्षा राणा मौजूद ने। समीक्षा, की जानकारी है जो उम्मीदवार की पहली सूची भाजपा द्वारा जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए 62 प्रत्याशियों की लिस्ट भाजपा ने आज सुबह जो है वो जारी कर दी है और सरगर्मियां लगातार बनी हुई है प्रदेश में। जिस तरह से पिछले दिनों की बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी की है और आज भाजपा ने कर दी है। हालांकि भाजपा की सूची जो हम देख पा रहे हैं उसमें ये अभी तक जो 62 नामों की सूची उसमें दी गई है तो उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल जो है वो किया गया है। हालांकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी एक एक नहीं काटे गए हैं लेकिन उनकी जहां से वो पहले चुनाव लड़े हैं या काफी लंबे समय से विधायक रहे हैं वहां से उनका फेरबदल जो है वो किया गया है। जाने माने नाम की बात करें, सुरेश भारद्वाज की अगर बात करें तो सुरेश भारद्वाज भाजपा के 15 साल से हिमाचल शिमला से जो है वो शिमला शहर से विधायक रहे हैं और विनिंग कैंडिडेट हो रहे हैं तो वहाँ उनका टिकट जो है वो बदला गया है, उन्हें कसुमटी से टिकट दिया गया है। और अन्यों की देखें तो जिस तरह से भरमौर से जोगियालाल ठाकुर विधायक थे वहां से अब जनक राज डॉक्टर एमएस जो है वो यहां से रहे हैं आईजीएमसी से। हालांकि उन्होंने 3 महीने का इस्तीफा जो है वो पहले ही सौंप दिया था तो वो लगातार फील्ड में जाकर कार्य कर रहे थे। तो बिल्कुल सरगर्मियां जो है वो जो लिस्ट आई है उसके बाद देखने को मिल रही है और प्रत्याशियों को लंबे समय से इंतजार था क्योंकि जो नामांकन की तिथियां हैं वो भी कम रह गई हैं, बीच में 3 छुट्टियां भी आ रही हैं तो लगातार जो है वो उम्मीद ये की जा रही थी कि जल्द ही जो दोनों पार्टियां हैं जल्द ही टिकटें जो है वो आवंटन करें ताकि नामांकन के लिए जो है वो देरी ना हो। जी ठीक है, समीक्षा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा तमाम जानकारी देने के लिए। तो फोन लाइन से साढ़े सहयोगी संदीप भी जुड़े ने। संदीप, हिमाचल विधानसभा चोणों नूं लैके हुण तैयारियां शैरियां जिहड़ियां जोरां शोरां ते ने, इस नूं लैके की कहिए कि जो पहली सूची जारी की गई है भाजपा द्वारा? देखिए जिस तरीके से जो है वो काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो है वो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो। सबसे पहले कांग्रेस ने पिछले कल शाम को जो है 46 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी की जिसमें साफ हो गया कि कौन कौन जो है वो जिताऊ उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस ने सबसे पहले दाव उन पर खेला है। और बीजेपी की आज सुबह सुबह थोड़ी देर पहले ही लिस्ट जारी होती है जिसमें जो है 66 माफ कीजिएगा 62 विधानसभा क्षेत्रों के जो है वो उम्मीदवार उनकी लिस्ट जारी कर दी जाती है। इसमें अमूमन जो है वो विधायक और मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, इन तमाम लोगों पर एक बार फिर से जो है वो बीजेपी ने भरोसा जताया लेकिन कुछ एक सीटों पर जो है वो जिस तरीके से एंटी इनकमेंसी हो सकती है या फिर ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जो है वो कुछ मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र बदले हैं जिनमें थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी समीक्षा बता रही थी कि सुरेश भारद्वाज जो है वो उन्हें कुसुमटी से इस बार जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया है लेकिन दूसरे एक और मिनिस्टर हैं जो राकेश पठानिया जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वन मंत्री थे उनका उनको भी जो है वो उनका भी कार्यक्षेत्र बदला गया है। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से जो है इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है और कई सारे जो है वो दूसरे चेहरों को भी जो है वो इस बार मौका दिया गया है। महामंत्री तीनों ही महामंत्री जो है त्रिलोक कपूर जम्वाल इन सब को दोबारा से जो है वो एक पर पार्टी ने लड़ाने के लिए जो है चुनावी मैदान में उतारा है। तो जाहिर तौर पर अभी 62 विधानसभा क्षेत्रों के जो है वो उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, लिस्ट जारी हो चुकी है यानी सीधी सीधी लड़ाई जो है इस बार का चुनाव जो है काफी अहम रहने वाला है। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि प्रबल जो उम्मीदवार है दोनों ही पार्टियों ने उतारे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनावी मैदान में किस तरीके से रहते हैं लेकिन आज से नॉमिनेशन फाइल होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो आज दोपहर अपने विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरेंगे, उसके बाद अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 21 तारीख तक जो है तमाम
भाजपा के जितने भी नेता हैं वो नामांकन दाखिल कर देंगे और कांग्रेस भी जो है वो आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को शुरू कर देगी। लेकिन कुछ एक सीटों पर, जैसे 6 विधानसभा सीटों पर जो है अभी फिलहाल मंथन चल रहा है, आप देखना ही होगा कि उन सीटों पर भाजपा किसको उतारती है। और दूसरी तरफ 22 विधानसभा क्षेत्रों की सीटों पर जो है वो अभी भी कांग्रेस मंथन कर रही है, वहां पर कौन किन कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा। और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से महज 4 लोगों की पहली लिस्ट कुछ दिनों पहले आई थी। अब बाकी देखना होगा कि बाकी के विधानसभा क्षेत्र में वहां किस तरीके से उतारती, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई। जी ठीक है संदीप, शुक्रिया तुहाडा, बहुत बहुत तमाम जानकारी देने लई।